हाय फ्रेंड्स, आज हमारे अनोखा किचन में बन रहा है पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। देखिए, मैंने एक कटोरी चावल ले लिए, इसे धुल लेते हैं अच्छे से। दो तीन पानी से धुल कर रख देंगे, पानी इसमें भिगोएंगे नहीं, सिर्फ धुल कर रख देंगे क्योंकि हमें कुकर में बनाना है। देखिए, गर्म पानी में सोयाबीन को हम भिगो लिए थे, अच्छे से धो के इसका पानी निचोड़ ले रहे हैं। देखिए, पानी निचोड़ के इसे अलग बर्तन में रख देंगे। अब गैस को ऑन करते हैं, रखते हैं कढ़ाई गैस पे। एक चम्मच छोटा चम्मच तेल डाले हैं, इसी में सोयाबीन को भूनेंगे मीडियम गैस पे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाकर भूनेंगे, स्लो से मीडियम गैस पे ही भूनेंगे। भून कर सोयाबीन पड़ते हैं पुलाव में तो अच्छा लगता है। एक चुटकी मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, एक ऐसे अच्छी तरह से चलाकर भून लेते हैं। देखिए, हमारा सोयाबीन भून के हो गया है, कितना अच्छे से भुना है। इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई को हटाते हैं, कुकर रखते हैं गैस पर। इसमें थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा को तड़कने देते हैं, थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं। हींग आप जरूर डालिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। हम हर रेसिपी में हींग डालते हैं। थोड़ा सा बड़ा साइज का प्याज काट कर बारीक डाल रहे हैं। इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भूनेंगे प्याज को। एक बड़ा साइज का टमाटर काट कर रखे हैं, तीन चार कड़ी पत्ता रखे हैं, उसे भी डालकर भून लेते हैं। गैस को थोड़ा मीडियम रखें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें इसमें, थोड़ा सा नमक डालें ताकि प्याज हमारा टमाटर गल जाए। थोड़ा सा ढक कर इसे भून लेते हैं। देखिए, हमारा टमाटर सौटे हो गया है, थोड़ा थोड़ा गल गया है टमाटर। इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। हम आज पुलाव बचे हुए राजमा के सब्जी से बना रहे हैं। सुबह हम राजमा का सब्जी बनाए थे, थोड़ा बच गया था। देखिए, भुना हुआ सोयाबीन डाल दिए हैं इसमें। देखिए, मेरी सब्जी बची हुई है राजमा की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसे फेंकने को मन नहीं कर रहा था तो हम बोले इसी के पुलाव बना ले, बहुत टेस्टी पुलाव बनता है, वैसे बेस्ट भी नहीं होगा। देखिए, अच्छी तरह से चला लेंगे। अगर आप सब लोग ऐसी बनाना चाहते हैं रेसिपी तो बची हुई कोई भी सब्जी है बना सकते हैं। देखिए, चावल धुल के रखे तो उसे भी डाल दे रहे हैं। अगर आप चावल ज़्यादा डाल रही हैं तो इसमें प्याज टमाटर मसाला का क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमारी सब्जी इतनी थी उसी के हिसाब से हम चावल डाले हैं। देखिए, एक कटोरी चावल डाले, इसे अच्छी तरह से चला ले रहे हैं। एक दो मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे चलाएंगे। देखिए, पानी डालें, जिस कटोरी से हम चावल डाले उसी कटोरी से पानी डाल रहे हैं। अभी हम डेढ़ कटोरी पानी डालें, इसमें और पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से पहले चला लेते हैं। देखिए, एक कटोरी और पानी डाल रहे हैं। हमें लग रहा है कि पानी हो गया, तो थोड़ी सा पानी बचा लिए हैं, तीन चार चम्मच। एक कटोरी चावल में अढ़ाई कटोरी पानी लगाए। देखिए, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाले हैं, नमक डाले स्वाद अनुसार। आप नमक ध्यान से डालिए, दो तीन चम्मच घी डाल रहे हैं क्योंकि सब्जी में भी नमक था, टमाटर भूनते हुए भी हम नमक डाले थे, इसलिए आप नमक ध्यान से डालिए। इसे अच्छी तरह से चलाकर ढक्कन लगा के एक सीटी आने देंगे हम। देखिए, ढक्कन लगा कर इसे एक सीटी आने देते हाई फ्लेम पे। देखिए, हम ढक्कन सीटी हो गया है, खोल लिए। देखिए, पुलाव चला कर दिखा रहे हैं कितना खिला खिला बना, अभी गर्म है। देखिए, हम सर्व कर ले रहे हैं। देखिए, हमारा फटाफट से पुलाव बन के रेडी है। आप सब भी जरूर बनाइए, खाइए। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।